ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਅੱਛੇ ਜਾਓ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੈਲੋ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਗੇ मैं आपको किसी से मिलाना था, वो जो रात को आया था गगन, गगन आया था रात को, काफ़ी रात हुई हुई थी तो मैंने भगाया नहीं उसको, मैंने घर में रख लिया रात को। मैं कहा चल सो जा, वो अपनी गलती मान रहा था भी मेरे से चलो गलती हो गई है और मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। अभी मैं उसको कंचन के पास भी लेके जाऊँगी, वो सब गलतियाँ अपनी माफ़ी मांग रहा है गलती की। तो दिखाती हूँ आपको, गगन से मिलवाती हूँ तो समझा। ये देखो गगन आ गया, हंस रहा है, हंसी उड़ा रहा है, कहता हंसी की और मैं गलती मानता हूं, आदी नहीं करदा नशा, पर मैं नहीं किसी कुड़ी नाल सीगा, नहीं किसी नाल सीगा, ओदा जान के मजाक करी जांदा सी उहनां नूं मैं भी मेरी गर्लफ्रेंड लैण आऊगी कपड़े जां कुछ जां अमन दे नाल आओ जां किसी नाल नहींगा, कोई अमन नहीं कोई कुछ नहीं, मैं तां घरे सीगा मम्मी होणा कोले। अच्छा मम्मी थोड़ी बीमार सी उत्थे, फिर तुसीं घर कातों का भज के गए करो ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਜਾਉਣਾ ਦੇਖ ਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਕੋ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਸਲਾ ਲਿਆ ਥਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ, ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਕੰਚਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਬੋਲਤੀ ਆ ਵੋ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਔਰ ਗਗਨ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕੰਚਨ ਕੇ ਘਰ, ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬੋਲਤੀ ਹੈ ਆ ਚਿਨੂ ਹਮ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਆ। ਦੇਖ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਚਿਨੂ, ਦੇਖ ਕਿਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੇਖ ਲੈ ਹਾਏ, ਸਮਝਾ ਸਮਝੋ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ, ਰਾਤ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਭਜਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਪਏ ਆ ਘਰੇ, ਕੁੱਕਰ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨੀ ਦੱਸਦੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। हेलो गाइस, जैसे कि पर्सनल ग्रूमिंग किसको अच्छी नहीं लगती है, चाहे कोई कम एज का हो कोई ज़्यादा एज का हो, लड़के हो लड़कियां हो, सब में ही पर्सनल ग्रूमिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सबके लिए। और जैसे कि कहते हैं ना कि खाने जैसे हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को ग्रूमिंग की भी ज़रूरत होती है, और स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ आत्मा का कहते वास होता है। और ग्रूमिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है हमारे अनवांटेड हेयर। सो आज मैं मम्मी को बता रही थी कि न्यूड का, मम्मी ये ना प्रोडक्ट है न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ, ये हेयर रिमूवर स्प्रे है और ना ये मेंस और वुमेंस दोनों के लिए है, देखिए और स्प्रे फॉर्म में आता है। तो मम्मी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से है। जैसे हमने कहीं पे पार्टी फंक्शन शादी में जाना होता है ना,
तो अचानक से मम्मी बोलने लग जाती कि हाय मैं तो वैक्सीन नहीं करवाई, बाल कितने आ रहे हैं, मम्मी ने सर्दी सर्दी करवाई भी नहीं है। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि इस तरीके से इसको यूज करना है, इस तरीके से स्प्रे करना है बाजुओं पे। तो मैं मम्मी के यूज कर रही थी, मैंने कहा आपको मैं बता ही देती हूँ कि किस तरीके से यूज करना है। और बहुत ईजी है, कटने जलने का डर नहीं रहता कोई, है ना। जैसे अगर लेजर यूज करते हैं तो कटने का डर रहता है, अगर वैक्स करवाओ तो पेनफुल होती है, लेजर ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ करते हैं तो ब्लैकनेस हो जाती है ना स्किन, तो अनइवन स्किन टोन हो जाता है। बट इसको अगर आप यूज़ करते हो आपका अनइवन स्किन टोन भी नहीं होता है। और तरीके से इसको यूज़ करना है, 10 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, स्प्रे कर दिया मैंने, और 10 मिनट तक अभी ऐसे रखेंगे। बालों की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो मम्मी के बाल ज़्यादा मोटे नहीं है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, तो हो जाएंगे 5-10 मिनट में। उसके बाद वेट वाइप से हम इसको क्लीन करेंगे। सो ये न्यूड का यूनिक हेयर रिमूविंग स्प्रे है, और इसमें मिल जाता है आपको बायो एक्टिव्स सच एस नीम ऑयल, एलोवेरा, कैमोमाइल, जजूबा ऑयल, लेमन ऑयल एंड सन फ्लावर सीड्स। दिस फॉर्मुलेशन इज़ पैराबेन फ्री, जिसकी वजह से हम हेयर को स्मूथली रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेडनेस, इचिंगनेस एंड इन्फ्लामेशन, जो हमें यूजली फेस करनी पड़ती है व्हेन वी यूज अदर रिमूविंग मेथड। एंड दिस प्रोडक्ट इज स्किन फ्रेंडली, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड। ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो इट इज़ यूनिसेक्स प्रोडक्ट। इसके बाद आपने वेट वाइप्स लेना है या कोई गीला कपड़ा लेना है, और इस तरीके से 10 मिनट के बाद आप इसको क्लीन कर ले। ये देखो आप, हेयर बहुत ज़्यादा आ गया, फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रहा, ये देखो। तो इस तरीके से जो हेयर है वो निकल जाते हैं बहुत ईजिली। तो इसको मम्मी अपने फेस पे नहीं लगाना है, अंडर आर्म्स में नहीं लगाना, और इंटीमेट एरिया में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और नन्नू भी यूज़ कर सकता है, तू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेंस एंड वीमेंस दोनों यूज़ कर सकते हैं, यूनिसेक्स प्रोडक्ट है ये। सो अगर इसको परचेज करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए 5-10 मिनट में ही मैंने मम्मी की है जो अनवांटेड हेयर रिमूव कर दिए, और अब मम्मी बड़ी खुश हैं कि चलो सारे एक्स्ट्रा जो बाल थे वो निकल चुके हैं और बाजू बिल्कुल साफ़ हो गई है, ना वैक्स करवाने की डर। वैसे भी सर्दियों में वैक्स नहीं होती है, तो ना वैक्स करवानी पड़ी, ऐसे ही रिमूव हो गए हेयर। कितने लंबे लंबे हेयर थे मम्मी, तो सारे रिमूव हो गए। चलो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, इसका वहाँ से आप परचेज कर लेना। देख लो, आते ही लग गए काम करने के लिए ना। आप थोड़ा काम कुम करेगा ना, इससे कंचन मान जाएगी। दही पतीले में डोंगा है ना, मैं लगा इनको बाला धोना ना। ये देखो अभी परोठों से होएगी खातरदारी। तेरे वास्ते बनाया है, तेरे वास्ते मैं बनाया। अच्छा, मेरे वास्ते उपरला दे बस, मेनू इको ही लैना, मैं परोठा एक ही दे बस, मैं माड़ा जा चार दगन अंब वाला। अभी मैं खाने लगी हूँ परौंठा, नाश्ता करने लगी हूँ, सुबह इसके घर आ गए हम। मैं तो अंदर ठंड जैसे बैठे रहना, मैं तो आलू गोभी के परौंठे हैं, साथ में दही है, अचार है। कंचन के घर आई थी, मैं चलो इधर ही नाश्ता कर लेती हूँ गगन को लेके, आप भी खा लो नाश्ता कर लो। कहाँ भगाते रात को, ना इसके माँ बाप रखते हैं इसको, ना कोई यार दोस्त रखता है।